पिछली कक्षाओं में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, अब इस क्लास में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है। वर्ब किसी भी वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है, इसके बिना कोई भी वाक्य नहीं बन सकता। डिफाइन किया जाए, द वर्ड विच डिनोट्स द एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ वर्ब। वह शब्द जो किसी वाक्य में क्रिया का बोध कराए, कोई किसी काम के होने का बोध कराए, इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट। अभी शब्द में सब्जेक्ट है ही क्या कर रहा है, प्लेज क्रिकेट खेलता है, खेलना शब्द प्लेज ये वर्ब है। मोहन इज अ डॉक्टर, मोहन एक डॉक्टर है। इस प्रकार वर्ब हमें यह बताती है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है। जैसे मुकेश वीप्स, द बेल रिंग्स। पहले वाक्य में वीप्स शब्द यह बताता है कि मुकेश रोने का कार्य करता है। दूसरे वाक्य में रिंग्स शब्द यह बताता है कि घंटी बजने का कार्य करता है। अतः वीप्स तथा रिंग्स ये दोनों ही वर्ब्स हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या कार्य किया जाता है, किया जा रहा है, वर्ब हमें ये भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, हरी इज पनिश्ड, द डोर इज पेंटेड। यहाँ हम देखते हैं कि पहले वाक्य में इज पनिश्ड से यह व्यक्त होता है कि हरी के लिए दंड दिए जाने का कार्य किया जाता है। दूसरे वाक्य में द डोर इज पेंटेड, इससे यह व्यक्त होता है कि दरवाजे के लिए पुताई का कार्य किया जाता है, दरवाजा पेंट होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इज पनिश्ड तथा इज पेंटेड ये दोनों ही शब्द वर्ब है। वर्ब ये भी बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज इल, शी इज अ डॉक्टर। पहले वाक्य में इज राम के कुछ होने के बारे में बताता है कि राम बीमार है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में इज उसके डॉक्टर होने के बारे में बताता है कि वह एक डॉक्टर है। अतः इज शब्द वर्ब है। प्रत्येक वाक्य में वर्ब का होना आवश्यक होता है। यदि वाक्य में केवल एक ही शब्द है तो वह शब्द वर्ब ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप, किसी को रुकने के लिए आदेश देना है, स्टॉप, तो वो एक ही शब्द है, वो वर्ब होगा। स्पीक, किसी को बोलने के लिए कहा गया। गो, प्ले, इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ब इन चीज़ों के बारे में व्यक्त करता है।
अब वर्ब केवल एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट टू आगरा, इस वाक्य में सिर्फ एक शब्द है वेंट। दूसरे वाक्य में देखते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहां वर्ब दो शब्दों का है, आर और प्लेइंग। तीसरे वाक्य में देखते हैं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यहां वर्ब इस सेंटेंस में वर्ब तीन शब्दों का हैव बीन रीडिंग। इसी प्रकार ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इस सेंटेंस में चार शब्द हैं वर्ब विल हैव बीन प्लेइंग। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ब केवल एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। एक बात ध्यान देने लायक है, वर्ब वाक्य के प्रेडिकेट भाग का सबसे पहला शब्द होता है। हम लोगों ने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा, उसमें देखा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट जो होता है वो वर्ब से ही शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, द एंग्री टीचर पनिश्ड ऑल द बॉयज, यहां पे पनिश्ड वर्ब है, सब्जेक्ट द एंग्री टीचर और पनिश्ड ऑल द बॉयज प्रेडिकेट। तो हम ये देखते हैं कि जो प्रेडिकेट पार्ट है वो पनिश्ड से शुरू हुआ है, यानी वर्ब से शुरू हुआ। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, सब्जेक्ट लाइट, वर्ब ट्रेवल्स। अब वर्ब ट्रेवल्स के बाद के सारे ये शब्द ये प्रेडिकेट पार्ट है। तो हम लोगों ने देखा वर्ब में कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जो शब्द सब्जेक्ट का एक्शन दिखाता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये दिखाता है, उसे वर्ब करते हैं। वर्ब हमें किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है ये बताता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या कार्य किया जा रहा है ये बताता है, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है ये बताता है। वर्ब एक शब्द के भी हो सकते हैं, एक से अधिक शब्द के भी हो सकते हैं। अगले पार्ट में हम वर्ब के डिफरेंट काइंड्स पढ़ें।